आशिक इश्क की आग में जल रहे थे, लेकिन यही इश्क की आग एक तीसरे शख्स को भी जला देगी, यह शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। जी हाँ, एक गलत कदम और पूरा परिवार तहस नहस। ऐसी सच्ची कहानी से आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। दो आशिक इश्क की आग में जल रहे थे, लेकिन यही इश्क की आग एक तीसरे शख्स को भी जला देगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। जी हाँ, एक गलत कदम और पूरा परिवार तहस नहस। ऐसा तो हमने कई बार सुना है, लेकिन यवतमाल जिले के कुहाड़ गांव में रहने वाले आरोपी संदीप तुराम, जिनकी कुछ समय पहले ही पत्नी, जो कि उस गांव की सरपंच थी, अपने प्रेमी उप सरपंच नारायण गुलाने के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। इस वारदात के बाद से ही सरपंच पत्नी की 18 साल की बेटी को गांव के लोगों ने ताने मार मार कर इस कदर त्रस्त कर दिया था कि आखिरकार उसे भी आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। ये सिलसिला यही नहीं थमा, बल्कि ननद के ससुराल में भी उसे बार बार इसी बात के ताने सुनने पड़ते थे कि तेरी भाभी के अनैतिक संबंध गांव के उप सरपंच के साथ थे, और इसी के चलते वह घर से भाग गई थी, जिसके बाद उस बिचारी ननद ने भी लोगों के ताने सुन आखिर में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस बात को मन में दबाए संदीप तुराम कई दिनों से नारायण गुलाने की राह देख रहे थे। जैसे ही उन्हें गांव में नारायण गुलाने के आने की खबर लगी, उन्होंने तुरंत घर से कुराड़ लेकर उस पर अपना सारा का सारा गुस्सा निकाल दिया, लेकिन गांव वालों के बीच बचाव करने पर उसे जख्मी अवस्था में अस्पताल में रवाना किया गया। आम्हाला एक माहिती मिळाली होती, चंदननगर येथे एक यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभोळगाव पोलीस स्टेशनमध्ये 307 खटलेला आरोपी इकडे आलेला आहे। तसंच माहिती मिळून आम्ही तिथे स्टाफचं आम्ही इकडनं काढलं आणि त्याला आम्ही त्याला ताब्यात घेतलं। त्याचं नाव आहे संदीप वसंत तुराम, वय 45 आहे, राहणारा पोहूर आहे आणि बाभोळगाव पोलीस स्टेशनमध्ये 32/23 हा 307 गुन्हा दाखल झालेला आहे त्याच्यावरती, आणि तो चार पाच दिवसापासून तो तिथनं फरार आहे। त्याने उपसरपंचाला कुराड्याने मारलं असं तो सांगत आहे तिकडनं, आणि तेव्हापासून तो फरार आहे। आम्हाला माहिती मिळून त्याला ताब्यात घेतलं, त्याची माहिती आम्ही पोलीस स्टेशन्स बाबुळगावला त्याला माहिती देण्यात आलेली आहे की बाबा आम्ही आणलेला आहे आणि ते येतील आणि ते तिथनं आमच्याकडून ते निघून येतील। नाही, त्याच्याबद्दल ते आता तपासी अधिकाऱ्यांचं काय कारण इकडनं तिथे गुन्हा घडला असल्यामुळे काय कारण होतं तर ते सांगू शकतात। मी फक्त तेवढं सांगू शकतो त्यांना ताब्यात मिळालेलं आहे आणि ते हे केलेलं आहे। बहरहाल, पत्नी की बेवफाई की वजह से तीन जिंदगियां दाव पर लग गई। पति पत्नी के बीच नोकझोंक और छोटे मोटे झगड़े तो चलते रहते हैं, लेकिन जब एक रिश्ते की वजह से कई रिश्ते टूटने लगे, तब उस रिश्ते को समाज भी अपनाने से मना कर देता है। बहरहाल, पूरे गांव में इस बारे में चर्चा जोरों से शुरू है। एनबीसी न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।